जवानी में ही जो मनुष्य यह तीन काम कर लेता है वह कभी दुखी नहीं रहता। वो तीन काम कौन से हैं? नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। आज हम जानेंगे ऐसे तीन काम के बारे में जिसे जो मनुष्य बुढ़ापा आने से पहले जवानी में ही कर लेता है, वो कभी दुखी नहीं रहता। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी देश में वहां के राजा को लेकर एक परंपरा चली आ रही थी और परंपरा बड़ी अजीब थी। जो भी व्यक्ति वहां का राजा बनता था उसके शासन काल का समय पूरा होने पर लोग उसके कपड़े उतरवा लेते थे और उसे निर्वस्त्र करके नदी के उस पार भयानक जंगल में छोड़ देते थे। उस जंगल में ना कोई बस्ती होती थी ना कोई मनुष्य। पूरा जंगल हिंसक पशु पक्षियों से भरा हुआ होता था। प्रजा द्वारा उस निर्जन वन में छोड़े गए राजा को भूखे प्यासे रहना पड़ता था। कभी कभी तो वो हिंसक जानवरों के बीच फंसकर उनका भोजन बन जाता था, और अगर जानवरों से बच भी जाता तो सर्दी गर्मी बरसात उसे बहुत कष्ट देती थी। भोजन पानी के अभाव के चलते उसका मरना निश्चित हो जाता था। फिर अगली बार किसी को नया राजा बनाया जाता और उसका राजकाल समाप्त होने पर उसी तरह सिर्फ एक लंगोटी और एक चादर के साथ नाव में बैठाकर उसे नदी के उस पार भयानक जंगल में छोड़ दिया जाता था। राजा लोग जब तक राजकाज करते थे तब तक तो बहुत खुश रहते थे, राजसी सुख सुविधाएं उनके पास रहती थी, सुखों का भोग करते थे, न खाने की चिंता होती थी न पहनने की, हर तरफ सुख ही सुख थे, चारों तरफ सुख के साधन उनके पास बनी रहती थी। तरह तरह की सुंदर युवतियों से अपना मन बहलाते थे, हजारों लोग उसके आदेश पर चलते थे, अपनी रानियों को सुंदर सुंदर स्थानों पर घुमाने ले जाया करते थे। इस प्रकार से उनकी जिंदगी स्वर्ग के सुखों जैसी थी। राजा सुखों को भोग भोग कर वे अपने आप को बड़ा धन्य समझते थे, परंतु जब उनका राजकाल समाप्त हो जाता तब उन्हें बड़ा दुख होता था। वो अपने सारे सुखों को भूलकर इस बात के लिए फिर रोने लगता था कि अब उसे भी निर्वस्त्र करके उसी जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वहां ना कोई मनुष्य होगा ना कोई खाने पीने का सामान, अकेले उस जंगल में यातनाएं भोग कर सिर्फ तड़प तड़प कर मरना ही है। दर्शकों, ऐसे सैकड़ों राजा आए और राज सुख भोगने के बाद उसी गति को प्राप्त हुए। वे सब जानते थे कि राजकाल समाप्त होने के बाद उन्हें उसी जंगल में भेज दिया जाएगा, फिर भी वे राजा बनने के लिए उत्सुक रहते थे। कारण था कुछ वर्षों का राज सुख। मनुष्य सुखों में इतना मदमस्त हो जाता है कि वो भविष्य में आने वाली विपत्तियों को भूल जाता है। सोचता है अभी जो सुख मिल रहा है उसका तो भोग कर ही लिया जाए, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, क्या पता जीवन में ऐसा अवसर फिर कभी आए या नहीं। और कुछ लोगों का मानना रहता है कि जिंदगी में जो कुछ खा लो पी लो ऐश कर लो वही साथ है, बाद में क्या पता क्या हो। इसी सोच के साथ वहां के लोग राजा बनने के इच्छुक रहते थे और फिर उनके साथ वही होता था जो अन्य सबके साथ हुआ था। राज सुखों को भोगने के चक्कर में इतने खो जाते थे कि समस्या का समाधान करने की नहीं सोचते थे। उन्होंने कभी यह प्रयास ही नहीं किया कि राजकाल पूरा होने के बाद हमें जिस जगह जाना है कुछ वहां की स्थिति को सुधार लिया जाए, ताकि जब हम वहां जाएं तो हमें वहां कष्टों से ना गुजरना पड़े। सब अपने निकटतम सुखों को ही देखते थे। दर्शकों, यही हाल है हमारे यहाँ के राजनेताओं का कि वे सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, चाहे वह देश का विभाजन हो, लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना हो,
विरोध की आग में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते देश विरोध और धर्म विरोध भी हो जाते हैं। दुष्ट लोग और देश तोड़ने वालों का समर्थन करने लगते हैं, नफरत और हिंसा के बीज बोने लगते हैं। हवा का वेग जब तूफान का रूप ले लेता है तो वो अपना पराया कुछ नहीं देखता, उसकी जद में आने वाले सभी लोगों का घर उजड़ जाता है। वे राज सुख के चक्कर में अपने आने वाले नस्लों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। ऐसे ही गद्दार लोगों की वजह से देश की सत्ता शरारती तत्वों के हाथ में चली जाती है, और जिन दुष्टों को उन्होंने पाला पोसा पुष्ट किया वे फिर उनको भी नहीं छोड़ते। ऐसा सुख किस काम का जो आप भविष्य में आने वाले दुखों की भी परवाह ना करते हो, जानबूझकर आप उन संकटों को बुलावा देते हो जो आपको, आपके परिवार को, आपके देश के लिए अच्छा नहीं है। आप सुख भोगिए, कौन मना करता है, पर इतना तो ध्यान रखिए कि जो रास्ता चलकर हमने सुख अर्जित किया है बाद में वो महाविनाशक ना हो जाए। भविष्य में आने वाले दुखों को तो ध्यान में रखिए। दर्शकों, उस राज्य में राजा बदलते बदलते सैकड़ों राजा बदल गए, पर किसी ने उस समस्या का समाधान नहीं किया जहां उन्हें राज्य त्याग कर जाना था और कष्ट भरी जिंदगी जीकर भूखे प्यासे मरना पड़ता था। कहते हैं लोभ में, लालच में, सुखों में पड़कर मनुष्य अपने हितों की बात भी भूल जाता है। मैं तो इसे मूर्खता का नाम दूंगा। आपकी जो मर्जी हो वो कहे, कहते हैं मनुष्य के लिए मूर्खता सबसे बड़ी कष्टदायी होती है। एक बार उस नगर का एक बुद्धिमान व्यक्ति उस राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। सोचने लगा, देखते हैं कि राजकाल समाप्त होने के बाद नदी के उस पार जंगल में कैसे दुखी होकर मरना पड़ता है। वह व्यक्ति बड़ा समझदार था, और समझदार मैं उसी को मानता हूं जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी चिंता रखे, आने वाले दुख का पहले से ही समाधान कर ले। दर्शकों, समझदार आदमी जब वहां का राजा बन गया और अच्छे ढंग से राज्य चलाने लगा तो कुछ दिनों तक राज सुख भोगता रहा। फिर एक दिन उसे ध्यान आया कि अरे, राज सुख त्यागने के बाद मुझे भी उस जंगल में जाना है और बेमौत मारना है। यही सोचकर उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे यह बताइए कि अभी मेरे शासन काल का कितना समय बाकी बचा है। तब मंत्रियों ने जवाब दिया, महाराज अभी आप एक वर्ष तक और राजा बनकर रहेंगे। राजा ने सोचा, एक साल तो बहुत होती है, एक साल में मैं बहुत कुछ बदल कर रख दूंगा, और राजा होने के नाते मुझे यह पूरा अधिकार है कि मैं जो कुछ करूंगा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब उस राजा ने राज सुख भोगना तो छोड़ दिया और समस्या का समाधान करने में जुट गया। वहां उसे एक वर्ष के बाद जाना था। उसने अपने सभी विश्वासी मंत्री को ये आज्ञा दे दी कि नदी के उस पार महाभयानक जंगल को कटवा दिया जाए और नदी के ऊपर एक पक्का पुल बनवा दिया जाए। यहां जो हम राज सुख भोग रहे हैं, चाहे वह नाच गान हो, मुजरा हो, तमाशा हो, दावत पार्टी हो, खाना खेलना, ऐश आराम हो, सबको एक वर्ष के लिए त्यागने की जरूरत है, और ईमानदारी से इस कार्य में जुट जाओ। भोगों में समय खोना मूर्खता है। पहले आने वाली विपत्ति से छुटकारा पालो। दर्शकों, राजा ने सारे सुखों का साधन बंद करवा दिया, व्यर्थ के कामों के लिए आना जाना छोड़ दिया। प्रजा के लोगों में राजा के इस व्यवहार से रोष भी था। वे राजा को गालियां भी देते थे, कोसते थे, कहते थे कर लो मन मानी, एक साल के बाद तुझे भी नरक में जाना है। राजा ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपना काम बड़ी शालीनता से करता रहा।
राजा नदी के उस पार जंगल को कटवाकर वहां बस्तियां बसाने लगा। खाने पीने के जरूरी सामानों की दुकानें लगवाने लगा। कुछ लोगों को यहां से ले जाकर वहां बसा दिया गया। उसे एक सुंदर नगर के रूप में बदल दिया। किसान वहां खेती करके फसल उगाने लगे। एक साल पूरी होते होते राजा ने उसे बहुत खूबसूरत स्थान बना दिया। जब उसका राज्यकाल समाप्त हुआ तो लोगों ने उसी तरह राजा के वस्त्र उतरवाए और एक लंगोटी और एक चादर के साथ नाव में सवार कर दिया। नाव में सवार होते वक्त राजा के चेहरे पर बिल्कुल भी मायूसी नहीं थी। पहले के जो राजा होते थे वे नदी के उस पार जाते थे तो खूब रोते थे, लेकिन ये राजा तो खुशी खुशी नाव में बैठ गया और हंसता हुआ नदी को उस पार चला गया, क्योंकि वह जानता था कि नदी के उस पार अब उसे कोई कष्ट नहीं होगा। राजा को हंसता देखकर लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस राजा को वहां जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। पर वे ये नहीं जानते थे कि यहां से ज्यादा सुख राजा ने उस पार तैयार करके रखवा दिया है। अब तो राजा गया और उस पार जाकर आनंद पूर्वक सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। दर्शकों, कहानी का सार ये है कि हम लोग यहाँ के सुखों के चक्कर में वहाँ की भुला देते हैं। जहाँ हमें जीवन के बाद जाना पड़ेगा मात्र एक लंगोटी और एक चादर के साथ, हम अपने राग रंग ऐशो आराम में इतने लवलीन रहते हैं कि वहाँ की सोचते ही नहीं। घर बंगला गाड़ी सब कुछ यहाँ तैयार करने में जुटे हैं, पर परलोक की हमें कोई चिंता नहीं। सब कुछ बना तो यहाँ रहे हैं पर खुद मौत की ओर भागे चले जा रहे हैं। जैसे राजा ने समय रहते अपना गंतव्य ठीक कर लिया, उसी तरह जब तक मौत हमें नहीं छू सकती, उससे पहले ही हमें परलोक में सुख पहुंचाने वाली सामग्री को एकत्रित करके रख लेना चाहिए। शासन काल खत्म हो गया, जीवन की सत्ता हाथ से निकल गई, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आपके नौकर चाकर सहयोगी सलाहकार मिस्त्री मार्गदर्शक गुरु सब मौजूद हैं, जो चाहो वैसा करो। सत्ता हाथ से जाते ही सिर्फ दुख ही दुख भोगने को मिलेगा। इसलिए समझदार राजा की तरह आप भी अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाइए। आगे के जीवन के लिए कुछ साधन सुख एकत्रित करके रख लीजिए। जहां आपको जाना है सुखों की चकाचौंध में फंसकर भ्रमित ना हो, वरना अन्य राजाओं की तरह आप भी रोते हुए प्रस्थान करोगे। कहानी ने आपको बता दिया है, फैसला आपको करना है, रोते हुए जाओगे या हंसते हुए। दर्शकों, ये तीन काम हमें मरने से पहले कर लेना चाहिए। नंबर एक सुखों से वृत्ति, नंबर दो परलोक के लिए साधन, नंबर तीन भक्ति का आश्रय। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।